तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीप, आप सभी का दीप टेक्निकल में स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं तीन ऐसी एप्लीकेशन के बारे में जिससे दोस्तों आप अपने एंड्रॉयड फोन से किसी भी अनदर एंड्रॉयड फोन में आसानी से फाइल को शेयर कर पाते हैं। जैसे कि दोस्तों आप अपने किसी भी दोस्त को मूवीज या फिर अनदर फाइल्स या एंड्रॉयड एप्लीकेशन को बिल्कुल तेजी से शेयर कर पाते हैं बिल्कुल आसानी से। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले तीन ऐसे एप्लीकेशन के बारे में जिससे दोस्तों आप सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। तो दोस्तों इनमें से आपको सबसे ज़्यादा सिर्फ दो एप्लीकेशन का यूज़ करना चाहिए। तीसरी एप्लीकेशन की बात करें तो दोस्तों सबसे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आती है, सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट देखनी पड़ती है और साथ में दोस्तों आपको उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। दोस्तों जब आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में सीरीज एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो आपको जब आप अपने किसी एंड्रॉयड फ़ोन में किसी अनदर फ़ोन में फाइल को शेयर करते हैं आपको सबसे ज़्यादा उस एप्लीकेशन में एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलती है। और साथ में दोस्तों आप जब किसी आप अपने किसी भी फ्रेंड को फाइल शेयर करते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा कम स्पीड मिलती है और अपने दूसरे फ़ोन में फाइल को शेयर करने में आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप बात करने वाले दो ऐसे एप्लीकेशन के बारे में जिसका सबसे ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ शेयर मी के बारे में। तो दोस्तों आप जब प्ले स्टोर पर शेयर मी को सर्च करेंगे तो आपको एक एप्लीकेशन मिल जाएगी जिसका दोस्तों आपको डाउनलोड कर लेना है। इसमें दोस्तों आपको किसी तरह के एडवर्टाइजमेंट देखने को नहीं मिलती और दोस्तों आप जब अपने किसी दूसरे फ्रेंड को शेयर करते हैं फाइल तो आपको सबसे ज़्यादा स्पीड और अच्छी फास्ट से आप एप्लीकेशन को शेयर कर पाते हैं। तो दोस्तों अब बात करने वाले दूसरी एप्लीकेशन का नाम है दोस्तों एक्सेंडर। तो दोस्तों जब आप एंड्रॉयड फ़ोन में एक्सेंडर को डाउनलोड करते हैं तो आपको इसमें सबसे ज़्यादा स्पीड और आप आसानी से किसी भी दोस्त को फाइल शेयर कर पाते हैं और दोस्तों आपको इसमें किसी तरह के एडवर्टाइजमेंट देखने को नहीं मिलती और साथ में दोस्तों आपका टाइम काफ़ी बच जाता है। तो दोस्तों आपको यह दो एप्लीकेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं आगे नेक्स्ट नई वीडियो में। We'll be right back.